नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल जितेंद्र मिशनरी और हम आज आपके लिए लेके आए हैं एक नया बिजनेस आइडिया जिसे कि नोटबुक मेकिंग बिजनेस कहते हैं। आप देखते हैं कि हर एक तरह की नोटबुक जो आप मार्केट में देखते हैं, छोटी बड़ी सभी आप बना सकते हैं। और आज हम आपको बताएंगे इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कैसे नोटबुक बनती है, क्या क्या इसमें मशीनरी यूज होती है और कितना प्रॉफिट है। और आपको मैं बताता हूँ कि कैसे ये 25 रुपए वाली नोटबुक आपको रोजाना 3000 से 4000 कमा के दे सकती है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और चलो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखो ये नोटबुक है, तो हम इसका देखते हैं कि सबसे पहले क्या क्या मटेरियल रिक्वायरमेंट है और कैसे इसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना है। जैसे ये आप देख रहे हो, फर्स्ट पे टाइटल है, ये टाइटल पेज है और ये पेपर लगा है। तो इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ दो मटेरियल चाहिए, एक ये टाइटल और इसका अंदर वाला पेपर जो कि रूल्ड हुआ। ये आप सिंगल लाइन में भी रूलिंग ले सकते हो, डबल में भी ले सकते हो और थ्री में भी ले सकते हो। जैसे का आपको मटेरियल चाहिए होगा वैसे का मिल जाएगा। तो अभी इसका देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे होता है। ये जो नोटबुक है इसका जो टाइटल है दो दो क्वांटिटी में आता है, जैसे ये दो कॉपी का टाइटल है अभी। तो अभी इसका हम पेपर इसको गिन के रख देते हैं यहाँ पे। ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें आपका नोटबुक को पिन लग के ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ आप यहाँ पे फीड करोगे ऑटोमेटिकली पिन लगेगा। पिन लगने के बाद आपका स्क्वेयर होके फोल्ड होके वहाँ से बाहर निकलेगा। तो अभी आप इधर फाइनल प्रोडक्ट देख सकते हो इसका, कि जैसे पूरा स्क्वेयर होके बाहर निकला हुआ है। तो एंड में आपका सिर्फ कटिंग का काम रह जाता है। ये जो आपका वेस्ट पेपर बाहर आया ये, और यहाँ से जो वेस्ट कटिंग है ये सारी आपकी कटिंग होगी और उसके बाद एंड में आपका ऐसे का फिनिश प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, ऐसे का प्रोडक्ट पूरा तैयार हो जाता है। तो अभी आपने समझ लिया कि क्या प्रोसेस होता है नोटबुक का, क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होता है। तो अभी हम इसका वर्किंग वीडियो देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये है फुली ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल पेपर कटिंग मशीन। दोस्तों ये एक प्रोग्राम से चलने वाली पेपर कटिंग मशीन है जिसमें आपने नोटबुक का साइज फीड करना है और इसने ऑटोमेटिकली उसी साइजेस में नोटबुक की कटिंग करनी है। इसमें आपकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और आप जितना साइज का नोटबुक डालोगे, जितने जितने सेंटीमीटर इसमें फीड करोगे, ये उतने सेंटीमीटर का ही आपका नोटबुक कटिंग करेगा, ना 1 सेंटीमीटर ऊपर ना 1 सेंटीमीटर नीचे। इससे जो नीचे वाली मैनुअल मशीन्स आपने देखी होंगी उसमें आप स्केल से मैया करके कटिंग करते हो, जिसमें नोटबुक के दो नोटबुक के साइजेस का फर्क आपको काफ़ी बार नज़र आ जाएगा। पर इसमें आपका चाहे 100 कॉपी एक साथ इकट्ठी कटिंग कर लो पर आपका उसमें कोई भी साइज का डिफरेंस कभी नहीं आएगा। तो देखिए कि इसका वर्किंग कैसे होता है और कैसे ये कटिंग करती है।
दोस्तों अब जो आप मशीन का वीडियो देख रहे हो, इसमें आपका नोटबुक का पैकिंग होता है। आपने मार्केट में देखा होगा 5-5, 6-6 नोटबुक को लैमिनेशन वाला पैकिंग करके रखा होता है, तो इस मशीन का वही काम होता है। इसने में आपने 5-6 नोटबुक इकट्ठी करके इसके चैम्बर में लैमिनेशन का रोल चढ़ा के रख देना है और इसने ऑटोमेटिकली उन रोल को श्रिंक करके इनको रैप कर देना है। तो इस मशीन का नाम है श्रिंक रैपिंग मशीन। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि नोटबुक को कैसे बनाया जाता है, क्या क्या उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है और कैसे फाइनल में नोटबुक आपका तैयार होता है। तो अभी हम जानते हैं कि इसके प्रॉफिट मार्जिन के बारे में कि एक नोटबुक के पीछे आपको कितना मार्जिन है और आप इस पे कितना प्रॉफिट कमा सकते हो। तो जनरली देखो, जो एक ये छोटी नोटबुक है जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो अभी, इसमें आप जैसे MRP देख सकते हो पीछे 25-35 लिखा हुआ। तो जो नोटबुक का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है वो तकरीबन आपका 50% आता है। तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो आपका 12 से लेके 13 रुपये के आसपास होता है। और यही नोटबुक आपका अगर होलसेल में सेल करते हो तो आपका ये तकरीबन 17-18 में सेल हो जाता है। तो आप इसका अगर प्रॉफिट मार्जिन देखो तो एक नोटबुक के पीछे आपका 4-5 रुपीज़ का मार्जिन होता है। तो ये सारा डिपेंड करता है कि आपके नोटबुक की क्वालिटी के ऊपर, पेपर कैसे क्या यूज़ कर रहे हो, टाइटल आपका कैसे क्या है, अंदर आप कैसे का प्रिंटिंग यूज़ कर रहे हो, ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती है। तो अगर आप 4-5 रुपये का भी होलसेल में मार्जिन लेके चलते हो तो जो आपने अभी सेटअप देखा है उसमें आपका पर डे में 10,000 से 15,000 नोटबुक आराम से निकल जाता है। तो अगर वो आप लगाते हो तो आपका एक दिन का कम से कम 3-4 हज़ार सारा सेल करने के बाद भी आराम से कमा सकते हो। तो आप देख सकते हो कि इस नोटबुक के पीछे, इस बिज़नेस के पीछे आपका कितना प्रॉफिट है और आप कितना मार्जिन इसमें कमा सकते हो। तो बहुत ही ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो आप कहीं भी कभी भी शुरू कर सकते हो। अगर आप अपने घर से शुरू करना चाहते हो तो घर से भी शुरू कर सकते हो। अगर आप बाहर में कोई जगह किराए पे लेके वहाँ पे शुरू करना चाहते हो तो वहाँ भी कर सकते हो। तो इसमें आप 2-3 महीने के बीच ही अपना सारा इन्वेस्टमेंट जितना लगाया होता है वो सारा आप कोप अप कर सकते हो। तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और इसे करने के लिए अगर आपको बैंक से लोन वगैरह कुछ भी चाहिए हो तो सरकार की काफ़ी स्कीम्स हैं, आप उनके तहत लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप मशीन के बारे में या इस बिज़नेस के बारे में कोई भी जानकारी हमसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम इस बिज़नेस की पूरी डिटेल, प्रॉफिट रिपोर्ट और क्या क्या मशीनरी का क्या प्राइस है वो सारा आपको व्हाट्सएप पे के थ्रू या ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए जब मर्जी हमें फ़ोन करें तो हम आपको डिटेल्स देंगे। तो इतना ही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसे के और बिज़नेस आइडियाज़ देखने के लिए हमारे वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।